नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आपका अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी सांभर, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनते हैं घर पे, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार इस तरह से सांभर बनाकर खाना पसंद करेंगे, इतना स्वादिष्ट लगता है, बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद से खाएँगे। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर घर पर कैसे बनते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको सांभर की रेसिपी कैसे बनते हैं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप तुअर दाल, अरहर दाल भी आप बोल सकते हैं, इसे मैंने धोकर अच्छे से ले लिया है। और इसी कप से मैंने 4 कप के लगभग पानी डाला है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी, आधा चम्मच से थोड़ा कम, और 1 चम्मच के लगभग मैं ऐड करूंगी इसमें नमक। और इसे मैं गैस पर चढ़ा दूंगी गैस ऑन करके। बिल्कुल ये आपको आज मैं बता रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल सांभर, तो सीक्रेट टिप्स बताऊंगी मैं। तो मैंने गैस चढ़ा दिया, अब मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया है और ढक्कन लगा दिया। मैं गैस को हाई फ्लेम पर रखूंगी 1 सीटी आने तक। 1 सीटी आने के बाद मैं गैस को कम कर दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, और जब इस कुकर का गैस निकल जाएगा तब मैं इसे खोलूंगी। और दूसरी साइड मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को गैस पर चढ़ा दिया है, पैन गर्म हो चुका है मेरा। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच तेल, मैंने सरसों ऑयल लिया है, कोई सा भी ले सकते हैं कुकिंग ऑयल। इसे मैं गरम होने दूंगी। तेल मेरा गरम हो रहा है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कुछ मसाले लिए हैं, यहाँ पे राई लिया है मैंने आधा चम्मच से थोड़ा कम मैंने मेथी दाने लिए हैं, और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने जीरा लिया है। कुछ पत्ते मैंने लिए हैं करी पत्ता के, देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च लिया है पाउडर, हल्दी पाउडर दोनों आधा आधा चम्मच है। हल्दी पाउडर मैंने दाल में डाला है इसलिए यहाँ पे भी आधा चम्मच लिया है। 2 लाल मिर्च खड़ी मैंने ले ली है, और कुछ सब्जियाँ मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने कद्दू ले लिया है, थोड़ा सा बैंगन लिया है मैंने, एक काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। टमाटर मैंने 1 ठो लिया है, उसे भी काट लिया। लहसुन की कुछ कलियाँ ली थी, उसे छीलकर मैंने बारीक काट लिया। आधा इंच अदरक घस लिया है। 2 से 3 मैंने हरी मिर्च लिया, जिसे बारीक काट लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसे बारीक काट लिया है। थोड़ा सा मैंने गाजर लिया है, आप चाहे तो और भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है हींग, मैं 1 पिंच हींग डाल दूँगी इसमें। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है, मैं इसमें डालूँगी राई, मेथी और जीरा, सब मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 पिंच हींग। हींग सांभर में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है, तो हींग 1 पिंच ज़रूर डालें। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्च खड़ा जो मैंने लिया था, और साथ ही मैं करी पत्ता इसमें ऐड कर दूंगी। इन सबको अच्छे से मैं मिला लूँगी। अच्छे से मिला लिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगी प्याज, और साथ ही अदरक लहसुन मैं ऐड कर दूंगी। प्याज मैंने ऐड कर दिया, और साथ में मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च जो मैंने कट करके रखा था। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप ज्यादा तीखा नहीं पसंद करते तो ना डालें, मुझे तीखा पसंद है इसलिए मैंने डाला है। उन सबको अच्छे से मिला लूँगी मैं, और थोड़ी देर भूनूंगी प्याज हट कर मेरा मुलायम हो जाए। अब थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, मैंने दाल में भी नमक डाला है, इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच भी थोड़ा कम मैं नमक ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिला लूँगी। गैस को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। तो मेरा प्याज हल्का मुलायम हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। देख रहे हैं, इसे मिला लूंगी अच्छे से।
और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी जो मैंने सब्जियां काट कर रखी थी यहाँ पे, कद्दू, बैंगन और गाजर, इन सबको मैं डाल दूंगी। देख रहे हैं, इन सबको अच्छे से मैं मिला लूंगी। सारी सब्जियों को डाल को मैंने अच्छे से मिला लिया है। इसे थोड़ी देर में भूनूंगी, 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिला लूंगी। तुमने हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर मिला दिया अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करूंगी सांभर मसाला। मैंने एवरेस्ट का सांभर मसाला यूज़ किया है, आप कोई सा भी मार्केट से ले सकते हैं सांभर मसाला। तो देखिए 2 चम्मच के लगभग मैंने लिया था, इसे मिला दिया है। मैंने पिछले वीडियो में भी डाला है सांभर की रेसिपी, लेकिन वो अलग टाइप की है। मैंने सारे सब्जियों को दाल में डाल दिया था, ये मैं सब्जी अलग से भून रही हूँ। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, रेस्टोरेंट में इस तरह से ही सांभर, आप अगर ऐसा सांभर बना के खाएंगे तो बिल्कुल लगेगा कि रेस्टोरेंट का सांभर खा रहे हैं। सारे मसालों को मैंने डाल के 2 से 3 मिनट तक इसे पका लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कटोरी पानी और गैस को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूंगी। पानी डाल के मैं मिला लूंगी अच्छे से, और मिलाने के बाद मैं इसे ढक दूंगी। ढक कर मैं इसे 6 से 7 मिनट पकाऊंगी। दाल में डाल देने से सब्जियाँ गल जाते हैं, और अलग से पकाने से ये सब्जियाँ वैसे खड़े खड़े रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने अलग से पकाया है। इस तरह से बनाकर आप ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए मैं सीटी निकल चुका है दाल का, मैंने दाल खोल दिया है। अब मैं कलछुल की मदद से अच्छे से इसे मथ लूँगी। आप चाहे तो मथनी से मथ सकते हैं। दाल मेरा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, देख रहे हैं, मैंने अच्छे से मथ लिया इसे। अब मैंने जो पैन में सब्जियाँ पका रखी थी वो पक चुकी है मेरी सब्जी, देख रहे हैं, बहुत अच्छे से मेरी सारी सब्जियाँ पक चुकी हैं, 6 से 7 मिनट हुए हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, इन सारी सब्जियों को दाल में मिला दूंगी मैं। तो मैंने सारे सब्जियों को अच्छे से मिला दिया, देख रहे हैं कैसे खड़े खड़े सब्जी लग रहे हैं मेरे, अच्छा आ रहा है इसका कलर। अब मैं इसमें लास्ट में ऐड करूंगी इमली का पानी, इसे मैंने अच्छे से छान कर ले रखा था। 1 घंटा पहले मैंने फुला दिया था इसे, और फिर इसके बीज निकाल दिए मैंने और छान कर इसे मिला दिया है। अब चलिए मैं सर्व करती हूँ सांभर। देखिए मेरा सांभर बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट देखने में लग रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। रेस्टोरेंट में इसी तरह के सांभर मिलेंगे आप खाइएगा तो। इस तरह का बनाकर बिल्कुल आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल नहीं लगेगा आप कि रेस्टोरेंट का नहीं खा रहे हैं, घर का खा रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।